की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं, उनके घर पर इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए, जैसे ही मिले उन्होंने उनको नमस्कार किया, उनको फूल भेंट किए और फिर मुरली मनोहर जोशी ने उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को एक अंग वस्त्र जो सम्मान के तौर पर पहनाया जाता है वो पहनाया। और उसके बाद अब दोनों ही नेता जो हैं वो गुफ्तगू में जुटे हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी से मिले और मुरली मनोहर जोशी के घर भी वो जाएंगे। और खबर यह भी है कि मुमकिन है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर भी जाएं, लेकिन फिलहाल वो इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी के घर पे हैं। मुरली मनोहर जोशी के वो घर पे हैं और वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। किस गर्मजोशी से ये मुलाकात शुरू हुई उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की आपने गौर किया हो तो मुरली मनोहर जोशी के साथ एक 33 साल पुरानी तस्वीर भी वायरल हुई। दरअसल एकता यात्रा से जुड़ी तस्वीर है जिसका नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने किया था और नरेंद्र मोदी ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी और ये बहुत लंबा चुनावी अभियान था जिस दौरान ये जो थी तस्वीर ली गई थी। तो ये काफी चर्चा में है, ये 33 साल पुरानी एक तस्वीर है। और उसके बाद आप देखिए कि बड़ी बड़ी चुनावी यात्राओं में साथ रहे, भाजपा के लिए संघर्ष किया, सत्ता के लिए सात राजनीतिक संघर्ष किया जिनकी अगुवाई में रहे नरेंद्र मोदी, उनसे आज खास तौर पर उन्होंने एक भेंट की है, उनका सम्मान, उनका आभार जताया है। पहले लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। तो जिस वक्त मुरली मनोहर जोशी एक बड़े राजनीतिक आंदोलन की अगुवाई किया करते थे, उस वक्त आज देश के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं वो उस वक्त एक बीजेपी के आम कार्यकर्ता की तरह काम किया करते थे, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाया करते थे पार्टी के आंदोलनों में, पार्टी की यात्राओं में और आतंकी ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने के लिए जो बड़े आंदोलन और यात्राएं देश में हुई उसमें अपनी भागीदारी निभाई नरेंद्र मोदी ने। और उसके अगुवा मुरली मनोहर जोशी भी रहे, राम मंदिर आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन के चेहरे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जिनकी अगुवाई में राजनीतिक परिपक्वता हासिल की नरेंद्र मोदी ने, आज उनके घर पर पहुंचे, नमस्कार उनको किया और उनसे बातचीत की।